हमें गिवन क्या है कि क्वाड्रिलेटरल जो दिया हुआ है उसके डायगनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक करते हैं और हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे कि वो क्या होगा रॉम्बस क्लियर तो हमें गिवन क्या है हमने यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया ए बी सी डी क्लियर गिवन क्या है क्योंकि ये नाइन्टी डिग्री पर बाइसेक करते हैं इसके डायगनल्स तो हमें गिवन है कि ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी क्लियर और क्या गिवन है ए ओ डी इक्वल टू डी ओ सी इक्वल टू सी ओ बी इक्वल टू बी ओ ए नाइंटी डिग्री ठीक है ये सारे एंगल कितने कितने के होंगे ईच नाइनटी डिग्री हमें प्रूव क्या करना है ए बी सी डी इज अ रॉम्बस ये जो ए बी सी डी है ये क्या हैस तो हम कौन कौन से ट्राइंगल लेके चलेंगे इसमें ट्राइंगल एडी और ट्राइंगल बी ओ सी क्लियर देखो एओडी और बी ओ सी लेके चले हम हमें अब इसमें कंग्रेंट प्रूफ कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसकी तीन चीजें इक्वल शो करनी पड़ेगी और हमें पता है वो क्या है ओ इक्वल है ओसी के ओडी इक्वल है ओबी के राइट एओडी इक्वल है किसके बीओसी के तीन चीजें आ गई मेरे पास गिवन में नहीं सब तो हमें इससे क्या प्रूफ हो गया कि हमारा ट्रायंगल एओडी कॉंग्रेंट है किसके बीओसी के ट्रायंगल एओडी कॉंग्रेंट है ट्राइंगल बी ओ सी के कौन सी रूल से बाय एस एस कॉन्ग्रेंसी रूल एस एस क्यू बोला गया हमने यहाँ पे एस का मीन्स होता है साइड और ए का मतलब होता है एंगल साइड एंगल साइड तीन चीजें प्रूव करनी होती है हमें तो हमने यहाँ पे कर दी साइड एंगल साइड वी हैव साइड एंगल साइड क्लियर तो जब ये कॉन्ग्रेंट हो जाता है कोई भी ट्राइंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट हो तो उसमें क्या होता है उसकी सारी चीज़ें इक्वल होंगी तीन चीजें हमने प्रूव कर दी तो उससे कॉन्ग्रेंट आ गया अब जब कांग्रेंट आई है तो इक्वल कैसे करेंगे? बीसी इक्वल आ गया किसके एडी के? बीसी इक्वल आ गया किसके एडी के? पाये सीपीसीपी। सो ऐसे ही हम किसमें करेंगे ट्रायंगल बोसी और सीओडी में। अभी इसमें करा था हमने। अब हम किसमें करेंगे? बोसी, बोसी और सीओडी में। इसमें और इसमें करा पहले हमने अब इसमें और इसमें करेंगे इससे क्या आ जाएगा पहले हमारे पास आया ए डी इक्वल टू बी सी अब क्या आ जाएगा हमारे पास बी सी इक्वल टू सी डी वी कैन सी है और बी सी इक्वल टू सी डी आ गया ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा सी डी इक्वल टू ए बी क्लियर तो हम इससे क्या प्रूव कर सकते हैं कि बी सी इक्वल एस सी डी के हम्म hmm. यहाँ पे बी सी इक्वल है ए डी के ना तो बी सी इक्वल है सी डी के सी डी इक्वल है ए डी के और ए डी इक्वल है ए बी के क्लियर तो हैं ए बी सी डी इज अ रोम्बस ए बी रोम्बस की क्या क्वालिटीज होती हैं यही होती हैं कि उसकी ईच साइड इक्वल होनी चाहिए और डाइग्नल्स स्पाइस करें नाइनटी डी दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स